गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है एकदम झकास होगी। और सॉरी, मैं अभी गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ क्योंकि शाम की नहीं, रात के 9 बज रहे हैं। और आज मैंने सुबह से ब्लॉगिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड शोल्डर जो था ना, वो बहुत ज़्यादा ही पेन कर रहा था और मैंने दवाई भी खाई तो उस दवाई से पेट भी गड़बड़ हो गया। और अभी थोड़ा सा मैं बाहर निकला, हॉस्पिटल गया था, फिर अंकल के वहाँ आ गया और आज मुझे पता चला कि अपन आज ढोल लाए हैं और तो पहले ही बता दिया अंशु ने। तो आज भैया ना ड्रोन लेकर आया, न्यू ड्रोन। yes. और अब इसकी क्या करेंगे? अभी उड़ाएंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे उसकी। उसको खोलेंगे। मेरा ये हैंड है ना, मैं ऐसे हिला रहा हूँ ना, दर्द कर रहा है। पर मैंने सोचा कि इसको ना, इसका मूवमेंट लगातार करते रहूं तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं आज ब्लॉग नहीं बना पाया। तो पर न्यू चीज आई है तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं, है ना। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं, इधर देख सकते हो। अरे एक मिनट, अरे अरे यार, लड्डू भी आ गया। हट जाओ यार, लड्डू बेटी हट जाओ यार, ये इसको उठा ले यार शुभम। तो गाइस, अनबॉक्सिंग हो रहा है ड्रोन। ये बहुत ही सुंदर भैया, ये क्या लिखा? डीजीआई एयर। तो गाइस, पापा ने ये डाल चुका है। हाँ, ये खोलो भैया। अरे उंगली हटा लो। हाँ, ये अरे सबसे पहले क्या आया भैया? ये बैग, सामान है और इसके अंदर और ये सामान है। अंशु शांत, ए प्लीज, ये ना बहुत बोल रहा है, प्लीज शांत हो जा रहा है। यहाँ तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट डाल रहा है। हाँ, ये क्या है भैया? बैग है ना नीचे उतरना। भैया थोड़ा सा शांत हो जाओ। तो गाइस, ड्रोन आया है ना, पर कोई भी मैं वीडियो बनाओ, कोई भी शांत नहीं हो रहा है यार। बहुत यार, इस हैंड से पकड़ लिया मैंने, थोड़ी देर दर्द करने लग गया। देखिए, अनबॉक्सिंग हो चुकी है, ठीक है। ये ड्रोन आ रहा है, ये ड्रोन है, ये देखिए। बंद कर उठा, बंद। न्यू ड्रोन। अरे ये तो पूरा खोखला हो गया। अच्छा, बैटरी लगा दी इसमें। और इसमें पंखड़ी भी लगेगी। देखिए गाइस, यहाँ पर इसकी पंखड़ी लगेगी। और गाइस, अभी मैं कहीं अगर बाहर कभी घूमने जाएंगे भैया के साथ तो ड्रोन साथ में ले जाएंगे और इस ड्रोन से भी शॉट लेंगे और अपने वीडियो पर, अपने यूट्यूब चैनल पर ड्रोन की शॉट आएंगे मेरे वीडियो के अंदर। ये क्या है? उसका वो कैमरा, ये कैमरा है और वो उसका सेफ्टी है, कैमरा सेफ्टी। क्या बहुत चालू ही हो चुका है गाइस। चालू कहाँ से चालू हुआ भैया? या बैटरी। अच्छा, ये अच्छा बटन जो ये बैटरी के ऊपर जो रहता है, ये क्या है? ये क्या खोल रहा? प्लेट। अच्छा, प्लेट बोलते इसको, पर अपना देसी लैंग्वेज है इसकी पंखुड़ी। वाह, क्या बात है। ये जितनी भी ये सब पंखुड़ी है भैया। अच्छा, एक्स्ट्रा भी ना, मैंने ना दवाई खा ली ना तो पेट में भी कुछ गड़बड़ी हो गई यार, सही में। पर ड्रोन की खुशी में ये हैंड भी ना थोड़ा थोड़ा कम दर्द होने लग गया। अभी दर्द कम हो गया इसका। क्या भैया, क्या बोल रहा? ऑरेंज। अच्छा, इसमें भी कलर वगैरह आते। ये लग गई पंखुड़ी। इसमें ये सामने हो रहा है, इसमें लिखा इसमें, उसमें और इसमें नहीं है।
हमारे यहाँ के बच्चे है ना, इन लोगों से बहुत बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो ये है ना उठा के भग जाएंगे। और ये हमारा अंशु तो है ना भी उड़ाने वाला था। इधर इधर अपन देखा, ये लग चुकी तीन पंखुड़ी तो। और गाइस ये है ड्रोन का रिमोट, रिमोट कंट्रोल, इससे ही कंट्रोल होता है पूरा, और इसमें मोबाइल लगा लिया जाता है। वाह, मुझे तो कुछ इसका आइडिया नहीं है। और चालू हो गया भैया? अभी नहीं हुआ, तो छत पे चल नहीं है कहीं, छत पे नहीं। पंखुड़ी चालू कर, ये देखिए इसकी कुछ सेटिंग वगैरह भी होती है, पता नहीं फोन आ गया। क्या सेटिंग है भैया इसकी चालू करने की? भाई दीदी, भाई को सुन सुन दे भाई। सुनील भी अभी ड्रोन उड़ाने की तैयारी में। ये ड्रोन का तुम्हें पता? अरे यार हैंड मेरा उड़ भी नहीं पा रहा हूँ पूरा। बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ड्रोन के शॉट भी मैं मेरे वीडियो में होंगे थोड़े बहुत। सॉरी वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पा रहा क्योंकि मेरे हैंड की वजह से बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है यार। तो गाइस हमारा ड्रोन उड़ना शुरू कर रहा है। जय श्री गणेश। हट जा उड़िया। अरे वो ड्रोन उड़ रहा है गाइस। शॉट भी आ रहे हैं। अरे कहाँ गया ये रहा, वो मेरी कट जाएगी। बड़ा अच्छा लग रहा है यार। खिलौना है, पकड़ लो जाके। वाह यार ये गर्मी में अच्छा बंदूक काफी अच्छा लगा यार। और कितनी खुशी हुई है ना, कुछ शॉट आए कभी यार? अच्छा उड़ा है सिर्फ, नॉर्मल अभी उड़ाया है कुछ, इसको मतलब कैमरा चालू नहीं किया इसका। बट अभी इतनी दूर, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि गर्मी में इसको चालू कर लूं। बहुत अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा है यार। मम्मी अभी वापस इसको पैक कर दो। इन दोनों को कितना मजा आ रहा है। छोड़ इनको, कितना मजा आ रहा है इन लोगों को यार। यार कुछ नई चीज आती है ना, कितना अच्छा लगता है ना। ये कता कता क्या होता है जी? कता कता कता। तो देखिए हमारी जो फैमिली है ना, सब बैठ बैठ के देख रही ड्रोन। पहली बार देखियो बेन, पहली बार देखियो, पहली बार देखियो। घर में पहली बार देखियो नी, आप खुद का आएगी नहीं, आप देखो दूसरा को। मैंने सोचा था भगवान हमारे घर में कभी आएगा। अब जो हारेगा सारा बाबा शाम हमारा। इसको कितना मजा आ रहा, कता 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 कता। या इसको बहुत ही मजा आ रहा है यार। लड्डू कैसे कैसे कमी कमी फंस गया। आई
तो चलिए गाइस, बस यही इतना ही मैं ब्लॉग बना पाऊंगा क्योंकि हैंड बहुत ज़्यादा ही दर्द दे रहा है ना, शोल्डर से ना यहाँ तक पेन होना शुरू हो गया। और इसको ये ना पता नहीं इसको बहुत मजा रहा, कता 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 कता, इधर उठो, कता 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 कता। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ और दिन भर की जर्नी नहीं दिखाई क्योंकि दिन भर से मैं सिर्फ और सिर्फ चुप हो जाओ यार, 2 मिनट ब्लॉग एंड कर लें दो। अरे यार बिल्कुल एंड करने नहीं दे रहे है ना, और ये भी पगला रही है कता कता का, चुप रहे अपनी। तो चलिए गाइस अब अरे यार चुप रहो यार अब। तो गाइस भग जा अब नहीं करते, अब नहीं करते, अब चुप रहो, अब कता कता नहीं करते, ब्लॉग को एंड कर देते, तो थोड़ी देर बैठ जा है ना। तो गाइस उधर बहुत कता 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 ये है ना, ये बहुत पगलारी मारू, हाँ रुक जा भी। तो चलिए गाइस ब्लॉग में यही एंड करता हूँ और माफी चाहता हूँ कि आज मैं ब्लॉग पूरा बना नहीं पाया, पर आपकी मशीन रखी हूँ कतर दे रहा हूँ, ये फिर आ गई कता 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 कता, मतलब चूहा मशीन को कतर देगा, कुछ नहीं कतरेगा, चूहा देखभाल करने के लिए है, वो जान पहचान का चूहा है इसलिए, समझी ना, हाँ रखा है उनको जान पहचान के लिए कि वो देख रेख करे। तो ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, ब्लॉग एंड कर। तो भग जा तू, भग जा कता कता, ब्लॉग एंड प्रिजर्विंग ड्रोन। हस हस बोलो जुबा केसरी, बोल बोल जुबा केसरी। तो चलते गाइस ब्लॉक देंगे, तो ब्लॉक को यही एंड करते हैं। तो गाइस ब्लॉक को मैं यही एंड करता हूँ और कता 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 ये चालू हो गया और शोल्डर कल तक 1-2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और मुझे कहीं जाना भी था तो मैं जा नहीं पाया, शोल्डर की वजह से ही नहीं गया, मैंने टिकट कैंसिल करनी पड़ी मुझे। और अब 1-2 दिन बात करूंगा या होली के बाद करूंगा, जैसा भी होगा, बट चलिए मैं लगातार ऐसे ब्लॉग बनाते रहूंगा, बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। बाय बाय, गुड नाइट, देखते रहिए दार सुनारते ब्लॉग।